तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी हम अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों अपने घर में या कहीं भी बैठकर रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाता है। नॉइज़ आने का मतलब क्या है, अगर कोई घर में, अगर मैं जैसे एग्जांपल मैं घर में वीडियो शूट करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो मुझे फ़ैन या कूलर चालू करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड का नॉइज़ हमारे वॉइस में आ जाता है, मतलब हमारे साउंड क्वालिटी में आ जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव किया जाता है और वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों ये जो तरीका मैं बताऊंगा वो लैपटॉप का तरीका, मोबाइल का नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम कोई भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब आपका अच्छे तरीके से कोई बढ़िया क्वालिटी का लैपटॉप होगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी लैपटॉप होगा तो उसमें चल जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा और डेमो भी दिखाऊंगा किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव करने के बाद में क्वालिटी किस तरीके से बढ़ जाती है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो उस तरीकों को अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छे तरीके से आप बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर पाओगे। सबसे पहले जब भी वीडियो आप शूट करो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं वीडियो या ऑडियो दोनों एक साथ शूट कर रहा हूँ या अलग अलग शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जैसे वीडियो और ऑडियो मैं दोनों एक साथ ही रिकॉर्ड करता हूँ अपने कैमरे से, तो जब भी वीडियो रिकॉर्ड करना है उससे पहले आपको 5 सेकंड के लिए वेट कर लेना है इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा टाइम इस तरीके से रुक जाना है। जैसे इसमें क्या होगा, जो बैकग्राउंड का नॉइस है वो आ जाएगा आपके ऑडियो में, ऑडियो के साथ में, उसके बाद में जब बोलना आप शुरू करोगे तो उसके थ्रू वो आ जाएगा, तो उसमें रिमूव करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं बैकग्राउंड का नॉइज़ रिमूव करता हूँ। अगर उसी तरीके से आप फॉलो करोगे तो अच्छे तरीके से इसको रिमूव करना सीख जाओगे। तो चलिए मैं दोस्तों मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव किया जाता है बिल्कुल फ्री तरीके में। सिर्फ 2 मिनट का काम इसमें होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे ये वीडियो मैंने शूट किया उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सॉफ्टवेयर से मैं अपना वीडियो एडिट करता हूँ उसी सॉफ्टवेयर में जाता हूँ। इस तरीके जैसे मैं फिल्मोरा में एडिट करता हूँ तो फिल्मोरा में जाऊँगा, उसके बाद मैं अपना वीडियो को यहाँ इंपोर्ट करूँगा, उसके बाद में एडिटिंग का जो भी पार्ट साइड का है उसको थोड़ा सा कट कर दूँगा, उसके बाद में जितना टाइम मैं रुक जाता हूँ नॉइज़ को आ जाने देता हूँ उतना टाइम मैं छोड़ दूँगा, उसके बाद में बाकी का रिमूव कर दूँगा। तो जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हो जैसे मैं शुरू में थोड़ा सा रुक गया हूँ, उसके बाद में एंड में भी थोड़ा सा रुक गया हूँ, इसमें क्या होगा बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाएगा, उसको रिमूव करने में काफ़ी आसानी होगी। तो जैसे कि मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख पाओगे, जैसे यहाँ आपको दिख भी रहा होगा टाइम लाइन में बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इसको रिमूव करेंगे। जैसे मैं प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ तो समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो जैसे इसको मैं चालू कर दिया हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ कुछ भी मैं बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हो ये वॉइस मेरा है, इसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्योंकि मेरा पंखा जो है वो चल रहा है और कूलर भी मेरे सामने रखा हुआ है तो वो भी चल रहा है, तो इसमें बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। वही मैं एंड में बात करूँ दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो यहाँ भी जैसे यहाँ तक मेरा वीडियो चला, उसके बाद में इतना टाइम मैं रुक जाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैं रुक जाता हूँ, बैकग्राउंड नॉइस इसमें आ जाता है, तो इसको रिमूव करने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये इस चीज़ आपको हमेशा करना है, जब भी वीडियो आप बनाओ तो थोड़ा सा आगे का पार्ट या पीछे का पार्ट थोड़ा सा 4 सेकंड 5 सेकंड या 10 सेकंड तक रुक जाओ, उसके बाद में बोलना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से पहले कर लेना है, उसके बाद में आपको क्या करना है वीडियो को और ऑडियो को साइड में करना है, मतलब अलग अलग करना है। तो वो कैसे करता हूँ, मैं फिल्मोरा में यूज़ कर रहा हूँ तो फिल्मोरा का बता रहा हूँ, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। जैसे मैं फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ तो इस पर राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद में यहाँ क्लिक करूँगा डिटैच ऑडियो का, डिटैच ऑडियो जैसे करूँगा तो वीडियो और ऑडियो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो वीडियो का पार्ट है उसको मैं डिलीट कर दूँगा इस तरीके से, उसके बाद में बचेगा सिर्फ मेरा ऑडियो, इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा मैं MP3 में। जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा MP3 में आऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ इसका नाम दे दूँगा, जैसे माई ऑडियो इसका नाम हो गया है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, ये तुरंत एक्सपोर्ट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 सेकंड या 10 सेकंड लगते हैं। जैसे ये एक्सपोर्ट हो गया उसके बाद में दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा Audacity, ये बिल्कुल भी फ्री है, उसके बाद में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद में नेक्स्ट करना, उसके बाद में आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, तो इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करूँगा, उसके बाद में अपना ऑडियो मैं इसमें इम्पोर्ट करूँगा। तो इस तरीके से ओपन होगा, आपको देखने में ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें हम लोग बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करना सीखेंगे और इसमें कुछ भी नहीं करेंगे।
ये ज़्यादा जो ऑप्शन है ये जो सिंगिंग वगैरह करते हैं उनके लिए काम आता है, तो हमारे किसी काम का और बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो उन लोगों उस पर मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज़ को मैं रिमूव करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये ओपन होगा, यहाँ फाइल पर आना है, उसके बाद में ओपन पर क्लिक कर देना है। अब जहाँ भी आपका ऑडियो रखा हुआ है, जैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो मेरा डी ड्राइव में जाता है फिल्मोरा से, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। माय ऑडियो जो मैंने इसका नाम दिया था माय ऑडियो, वही माय ऑडियो है, इसको डबल क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ से शुरू में और एंड में दोनों में बैकग्राउंड नॉइस अच्छे तरीके से दिख रहा है, ये बैकग्राउंड नॉइस ही है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ अपने माउस के थ्रू से इसको करेंगे, यहाँ से इतना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ इफेक्ट पर आएंगे, इफेक्ट पर आने के बाद में यहाँ नीचे आएंगे, नॉइस रिडक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। वीडियो अच्छे तरीके से देखोगे तो आप लोगों के समझ में आएगा। नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, उसके बाद में गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक करना है, इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक करना है इस तरीके से। क्लिक करने के बाद में कंट्रोल ए करना है, उसके बाद में मतलब इसको सेलेक्ट ऑल करना है, तो जैसा कि मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, तो ये सेलेक्ट ऑल हो गया, आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो सेलेक्ट ऑल हो गया। उसके बाद में उसी पर जाएंगे इफेक्ट पर, उसके बाद में बैकग्राउंड नॉइस जो होता है नॉइस रिडक्शन करने के लिए, तो उस पर फिर से क्लिक करेंगे इस तरीके से, उसके बाद में सिर्फ आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करूँगा तो आप लोग देखोगे इसका बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो हल्का सा कम हो जाएगा। तो इसको मुझे 2 या 3 बार करना पड़ेगा, जब आप अपने हिसाब से देख लेना, आपके एक बार में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2-3 बार भी कर लेना। जैसे अब मैं इस तरफ से करूँगा, राइट साइड से जो मैंने एंड में छोड़ दिया था उसके थ्रू मैं करूँगा, तो इतना मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद में इफेक्ट में जाऊँगा इस तरीके से, नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद में गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा मुझे इस तरीके से, मैं क्लिक कर दूँगा, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक इसको कंट्रोल आल कर लेंगे इस तरीके से। कंट्रोल ए आप टाइप करोगे तो कंट्रोल आल ये हो जाएगा, उसके बाद में इफेक्ट में फिर से जाना है, उसके बाद में नॉइस रिडक्शन पर फिर से क्लिक करना है, उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देखेंगे ये 90% ऑफ हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा बैकग्राउंड नॉइस। इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, तो आप लोग देखोगे या इसमें कुछ भी अब आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा हल्का सा आवाज़ आ रहा है, तो वो मैंने अपना लैपटॉप इस तरीके से आगे पीछे कर दिया था, तो अब बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ भी इसमें नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो ये चालू हो गया, तो हमारा जो ऑडियो था उसमें बैकग्राउंड जो भी था उसको हमने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक्सपोर्ट करेंगे MP3 में, जैसे वहाँ से एक्सपोर्ट मैंने किया था MP3 में, तो यहाँ भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा MP3 में। तो फाइल पर क्लिक करूँगा, उसके बाद में एक्सपोर्ट का यहाँ ऑप्शन मिलेगा, इस पर आऊँगा, उसके बाद में एक ऑप्शन और मुझे मिलेगा एक्सपोर्ट एज MP3, इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद में ये मुझसे पूछेगा कहाँ आप इसको करना चाहते हो, तो इसको मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से सेव कर दूँगा, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे डेस्कटॉप पे। अब हमारा ये ऑडासिटी का काम ख़त्म हो चुका है, तो इसको मैं क्लोज कर दूँगा इस तरीके से, उसके बाद में फिर से फिल्मोरा में जाऊँगा, उसके बाद में अंडू वाला बटन प्रेस करूँगा, जैसे यहाँ से अंडू करना है तो जो मैंने वीडियो का फाइल डिलीट किया था तो उसको फिर से लाना है, तो यहाँ से इसको क्लिक करूँगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा। उसके बाद में नीचे वाला ऑप्शन जो टाइमलाइन है ऑडियो का, इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा ऑडियो मैंने एक्सपोर्ट किया है उसको इसमें मुझे लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करूँगा, मैं ऑडियो को डिलीट कर दूँगा, उसके बाद में यहाँ से मीडिया पर जाकर वही ऑडियो इसमें इम्पोर्ट करूँगा इस तरीके से, डबल क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप पर जाऊँगा, ये माय ऑडियो मेरा है, वो माय ऑडियो पर डबल क्लिक करूँगा, ये आ जाएगा, उसके बाद में सिर्फ इसको उठाकर टाइमलाइन के नीचे रख देना है, तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे यहाँ जो टाइमलाइन पहले आप लोगों को दिख रहा था यहाँ लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, वो गायब हो चुका है। तो अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, तो इस तरीके से हमारा ऑडियो का बैकग्राउंड नॉइस रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद में जो ये एक्स्ट्रा पार्ट हमारा है उसको इस तरीके से टाइमलाइन को लाएंगे, उसके बाद में इसको कंट्रोल मतलब सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कंट्रोल बी टाइप करेंगे, उसके बाद में इसको डिलीट कर देंगे। अब मैं अपना ऑडियो आपको सुनाता हूँ किस तरीके से मेरा ऑडियो अच्छे तरीके से हो गया है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज़ जो भी था वो रिमूव हो चुका है। तो इस मैंने लेफ्ट साइड का कट कर दिया, उसके बाद में राइट साइड का मुझे कट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं कर लेता हूँ, उसके बाद में इसको कंट्रोल बी टाइप करूँगा, उसके बाद में इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव हो चुका है। अब इसको मैं फिर से एक्सपोर्ट करूँगा, उसके बाद में ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं अपलोड करूँगा तो उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आएगा। तो इसमें मैं MP4 में एक्सपोर्ट करूँगा, माय ऑडियो पर जाऊँगा, उसके बाद में एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूँगा, ये हमारा वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसको मैं अगर अपने यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो उसमें कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव किया जाता है। ये बिल्कुल भी फ्री तरीका है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, वीडियो अगर आप कंप्लीट देखोगे तो आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव किया जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से इस चैनल पे वीडियो आती रहती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।